Hello everyone, this is Ashish Jain. This is a continuation video on clubbing chapter. तो देखिए, सो फार अब तक हमने डिस्कस किया है कि अगर कोई भी एसएससी अगर किसी भी पर्सन को, चाहे वो रिलेटिव हो या वो नॉन रिलेटिव हो, अगर कोई भी अगर किसी भी तरह की कैपिटल एसेट ट्रांसफर होती है तो वो कौन कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग इनकम जो है उस पे कैपिटल एसेट पे होने वाली जो इनकम है वो कब कब क्लब होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला सेशन, दैट इज सेक्शन 64 क्लोज 2। यहाँ पर देखिए कैपिटल एसेट ट्रांसफर नहीं हो रही, यहाँ पर देखिए किसकी बात हो रही है, सैलरी, बोनस, कमीशन रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम एनी कंसर्न। कंसर्न का यहाँ पर मतलब है कंसर्न इज रिलेटेड टू बिजनेस, received by individual from any business or concern in which spouse has substantial interest। यानी कि अगर किसी भी recipient जो है उसको क्या मिल रहा है, सैलरी, बोनस या कमीशन, कहाँ से मिल रहा है उसको, बिजनेस से मिल रहा है, और उसी सेम बिजनेस में उसके स्पाउस का जो है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। ठीक है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब है कि उसका वोटिंग पावर जो उसकी कितनी है, या तो उसकी वोटिंग पावर 20% ज़्यादा है या फिर उसका प्रॉफिट शेयरिंग जो है 20% ज़्यादा है, उसको बोलते हैं हम सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। अगर उससे ज़्यादा है देन सच सैलरी बोनस कमीशन विल बी क्लब्ड विद स्पाउस हैविंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, पहले तो ये कि कोई भी स्पाउस हो, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, ठीक है, उसका उस बिजनेस में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो, प्लस दूसरे स्पाउस को, जैसे मान लीजिए वाइफ को, वाइफ का यहाँ पर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और हस्बैंड को क्या मिल रहा है, यहाँ पर उसी सेम बिजनेस में सैलरी मिल सकती है, बोनस मिल सकता है या कमीशन मिल सकता है। ठीक है, तो उस केस में हस्बैंड को जो भी इनकम मिल रही है, ठीक है, बाय वे ऑफ सैलरी, बोनस और कमीशन, दैट ऑल इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ वाइफ। ओके, एग्जांपल देखिए, यहाँ पर बिजनेस है, उस बिजनेस में ये कौन है, स्पाउस, स्पाउस को क्या मिल रहा है यहाँ पर, सैलरी एंड कमीशन, एंड उस बिजनेस में जो अनदर स्पाउस है उसको उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कितना है, 20% और मोर वोटिंग पावर। ठीक है, देन सच इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ ऑफ दैट स्पाउस। ठीक है, जिसका बिजनेस है, जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उसके इनकम में वो क्लब हो जाएगी। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ इसका रियल एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये बिजनेस किसका है, मान लीजिए ये बिजनेस है मुकेश अंबानी का। ठीक है, तो इसका मुकेश अंबानी का जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कितना है, 20% और मोर। ठीक है, एंड उनकी वाइफ कौन है, देखिए नीतू अंबानी, तो ऑब्वियसली उनको बिजनेस में उनको सैलरी कमीशन ली। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या नीतू अंबानी को जो भी सैलरी कमीशन जो भी कुछ मिल रहा होगा, क्या वो मुकेश अंबानी की इनकम में क्लब हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और पॉइंट आउट हो जाता है कि यहाँ पर स्पाउस को, यानी कि जिसको सैलरी पे कमीशन मिल रहा है, तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा दैट द रेसिपिएंट इज रिसीविंग दिस सैलरी और एनी काइंड ऑफ कमीशन इज ही और शी रिसीविंग ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर पर्सनल स्किल और क्वालिफिकेशन। दैट मीन्स यहाँ पर नीतू अंबानी को प्रूफ करना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर को कि नीतू अंबानी को यहाँ पर उनकी अपनी पर्सनल स्किल या क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग ही उनको यहाँ पर बोनस, कमीशन या सैलरी मिल रही है। अगर वो प्रूफ कर देती हैं तो फिर उस केस में ये इनकी इनकम इन्हीं के हाथ में रहेगी, यानी कि मुकेश अंबानी के हाथ में नहीं होगी। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कोई बिजनेस है, ठीक है, और उसमें दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही जो है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ऊपर वाला एग्जाम्पल सिर्फ ये किसी एक का था, बट यहाँ पर क्या है, दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और दोनों को ही बिजनेस से जो है सैलरी मिल रहा है।
अब क्वेश्चन ये आ रहा जाता है कि यहाँ पर क्लब होगा कैसा होगा, तो यहाँ पर देखिए क्लब तो एक दूसरे के में होगा। मान लीजिए 5 लाख यहाँ से क्लब होगा, 5 लाख यहाँ से क्लब होगा, ठीक है, दोनों ही आपस में क्लब हो गए, तो इससे तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसके लिए एक नया बनाया, यहाँ पर क्या बोला देखिए, मैं देखिए करके, बोथ सैलरी विल बी क्लब इन द हैंड ऑफ SSC हु हैव हायर इनकम। हायर इनकम इन द सेंस अदर देन सैलरी, हायर इनकम इन द सेंस अदर देन सैलरी। जैसे 5 हेड होते हैं तो सैलरी को छोड़कर बाकी 4 हेड में, ठीक है, 4 हेड में जिस जिस जि, किसी भी अगर स्पाउस की ज़्यादा इनकम होगी उसके में जब वो सैलरी जो वो क्लब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, अगर दोनों ही स्पाउस का बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, दोनों को ही सैलरी मिल रहा हो, तो उस केस में जो क्लब तो होगा, लेकिन क्लब किसके में होगा, जिसकी अदर देन सैलरी इनकम जो है वो हायर होगी, वो क्लब होगा। अगेन यहाँ पर अगर दोनों ही प्रूफ कर देते हैं कि दोनों को ही जो सैलरी कमीशन जो मिल रहा है वो अगर इन दोनों को ही अपनी पर्सनल स्किल और क्वालिफिकेशन के बेस पर मिल रहा है तो फिर क्लब नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है नोटिंग में, एग्रीगेट सैलरी विल बी क्लब्ड विद स्पाउस हैविंग हायर इनकम, ठीक है, देन क्लब नहीं होगा कब, इफ सैलरी इज रिलेटेड टू प्रोफेशनल स्किल, ठीक है। तो देखिए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, वेयर एनी पर्सन होल्ड्स अलोंग विद हिज रिलेटिव्स एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर्स इन केस ऑफ कंपनी और 20% प्रॉफिट शेयर इन केस ऑफ अदर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। रिलेटिव का मतलब क्या यहाँ पर क्या है, हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर एनी लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट। देखिए लीनियन असेंडेंट मतलब क्या होता है, जैसे जैसे दादा दादी नाना नानी, ठीक है, एंड लीनियन डिसेंडेंट मतलब क्या होता है, मतलब SSC के बच्चे और उनके बच्चे, ठीक है, SSC के बच्चे और उनके बच्चे, उनको बोलते हैं लीनियन डिसेंडेंट। असेंडेंट मीन्स दादा दादी या नाना नानी, ठीक है। तो यहाँ पर है रिलेटिव, रिलेटिव यहाँ पर देखिए अब तक हमने जहाँ पर ऊपर ऊपर हमें जितने भी सेक्शन पढ़े यहाँ पर जितने भी रिलेटिव थे वो भी रिलेटिव की डेफिनेशन यहाँ पर काउंट हो गए, प्लस जो इससे रिलेटेड जो था रिलेटिव वो भी काउंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन 1-2। नेक्स्ट सेक्शन आपका सेक्शन 64-1A, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। यहाँ पर देखिए केवल लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, अगर सेक्शन 25-27 अगर अप्लीकेबल होता है, 27 हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि अगर कोई भी असेसी अगर किसी भी रिलेटिव को अगर हाउस पर ट्रांसफर कर देता है तो वो सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग उसको डीम्ड ओनर माना जाता है। सेम एप्लीकेबल यहाँ पर आ रहा है इन केस ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, यानी कि अगर माइनर चाइल्ड को अगर कोई हाउस पर ट्रांसफर कर दी, अगर 27 एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, डीम्ड ओनर माना जाएगा। देन अगर माइनर माइनर चाइल्ड अगर डिसेबल्ड है या फिर उससे होन इन माइनर को जो भी इनकम अराइज हो रही है वो उसके अपने खुद के पर्सनल स्किल के बेस पे मिल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, क्लबिंग नहीं होगा, यानी कि इन दोनों केसेस में क्लबिंग नहीं होगी। पहले क्या है, अगर सेक्शन 27 अप्लीकेबल आ रहा हूँ प्लस माइनर डिसेबल है प्लस उसको जो भी इनकम अराइज हो रही है, जो भी इनको इनकम हो रही हो वो माइनर के अपने पर्सनल स्किल के बेसिस पे हो रही हो, तो उस केस में क्लबिंग नहीं होगी, ठीक है। पर्सनल की कोई भी उसे, जैसे मान लीजिए बच्चा सिंगर है, ठीक है, या फिर मान लीजिए बहुत बढ़िया पेंटर है, स्केच बनाता है, कंपटीशन जीता है, वो स्कूल प्राइस जो भी जीता है, तो उससे होने वाली इनकम जो है वो पेरेंट्स के इनकम में क्लब नहीं होगी, ठीक है। अदर केसेस यानी कि इनको छोड़कर अगर कोई और अदर केस हुआ तो क्या होगा, इनकम ऑफ माइनर विद पेरेंट हैविंग हायर इनकम विल बी क्लब्ड, ठीक है, यानी कि अगर किसी बच्चे की अगर अगर इन दोनों केसेस छोड़कर तब भी कोई इनकम अराइज हो रही है तो पेरेंट्स की जो पेरेंट दोनों पेरेंट्स के जो भी हायर इनकम होगी, चाहे वो मदर की हो चाहे फादर की हो, तो उसके में वो एक इनकम जो क्लब हो जाएगी। अच्छा यहाँ पर जो है अलग से यहाँ पर एक डिडक्शन दी हुई है ऑफ रुपीज़ 1500 अंडर सेक्शन 32,
ठीक है, पर माइनर एग्जेम्पशन दी है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर पूरे साल में अगर माइनर की इनकम मान लीजिए है कितनी, मान लीजिए सपोज 15,000 है, सॉरी मान लीजिए 20,000 है, तो उस केस में क्या होगा, 1500 जो वो माइनस हो जाएंगे। सो 20,000 लेस 1500, दैट मीन्स 18,500 विल बी क्लब्ड इन दी पेरेंट्स हु हैव हायर इनकम। मैंने यहाँ पर कुछ कहते हैं क्लैरिफिकेशन लिखी हुई है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो क्या लिखा हुआ है, अगर सेक्शन 27 एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हाउस प्रॉफिट ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन एक्सेप्ट डिवोर्स। अच्छा, यहाँ पर डिवोर्स नहीं होगा, ठीक है, डिवोर्स का केस अलग होगा ना। डिवोर्स के केस में क्या होगा, क्लब उसी की इनकम होगा जो कोर्ट का केस होगा। ठीक है, तो क्या बोला वहाँ पर, अगर कोई हाउस प्रॉफिट ट्रांसफर करिए स्पाउस को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, या फिर हाउस प्रॉफिट ट्रांसफर करिए किसको, माइनर चाइल्ड को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर। माइनर मैरिड डॉटर, देखिए वैसे तो देखिए माइनर मैरिड डॉटर जो है वो लॉ के अगेंस्ट है, टोटली इलीगल है, लेकिन देखिए ये प्रथा देखिए बहुत पुरानी चलती है, गांव में आज भी चलती है, तो उस केस में लोग जो है इसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। तो इस केस में जो है इनको थोड़ा एक्सेप्शन दे दी है कि अगर कोई माइनर बेटी जो है अगर उसकी शादी हो जाती है और अगर उसके नाम पे कोई भी अगर प्रॉपर्टी कर देते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो है वो क्लब नहीं होगा ट्रांसफर के हाथ में। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इन दोनों केसेस में क्या होगा, ट्रांसफरर विल बी दी डीम्ड ओनर। ठीक है, यानी कि अगर माइनर चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, कौन से माइनर चाइल्ड को, एक्सेप्ट MMD, एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर, या फिर हाउस पे ट्रांसफर करी किसको करी है, स्पाउस को करी है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ डिवोर्स। ठीक है, तो दोनों ही केस में जो है ट्रांसफर विल बी दी डीम्ड एज ओनर। फिर है सेक्शन 64, देखो हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 64(1)(4) में क्या पढ़ा था कि अगर कोई एसेट ट्रांसफर करी एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी, एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी होगा क्योंकि हॉस्पिटल अगर होगा तो सेक्शन 27 एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो एनी एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन एक्सेप्ट डिवोर्स, या फिर इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड एक्सेप्ट इन द केस ऑफ डिसेबिलिटी और थ्रू पर्सन स्किल, अगर इनकम माना जरूरी है तो उसका इम्पैक्ट की क्या होगा, इनकम विल बी कंप्यूटेड इन द हैंड ऑफ स्पाउस और माइनर चाइल्ड एंड क्लब इन द हैंड ऑफ ट्रांसफर। ओके, सो मैंने छोटी सी क्लैरिफिकेशन ली ताकि आपको कोई डाउट ना हो। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, देखिए ध्यान रखना से, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, एग्जाम में आया हुआ है। मान लीजिए ये कोई ट्रांसफर है, ठीक है, मान लीजिए ये है हस्बैंड एंड ये है वाइफ। हस्बैंड ने अपनी वाइफ को अपनी एसेट जो है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर कर दी, एक एसेट जो है वो ट्रांसफर कर दी। तो अब ये क्वेश्चन आ जाता है, क्या उससे होने वाली, अब तक हमने पढ़ा था रेवेन्यू तो होगा, तो क्या कैपिटल गेन भी क्लब हो जाएगी, आंसर इज यस, रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल गेन बोथ विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, बोथ मीन्स बोथ, रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल गेन। अब मान लीजिए वाइफ ने उस एसेट को री इन्वेस्ट कर दिया, री इन्वेस्ट कर दिया, मान लीजिए क्या नाम है, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मान लीजिए डिबेंचर जो है वो गिफ्ट कर दिया, विदाउट एडिक्वेट गिफ्ट कर दिया, तो अब गिफ्ट भी जो रेवेन्यू इंटरेस्ट मिलता है वो तो वाइफ के हाथ में आएगा, लेकिन क्लब कहाँ जाएगा, वो हस्बैंड के हाथ में। मान लीजिए वाइफ ने वो डिबेंचर सोल्ड कर दिए, बेच दिए, तो उससे होने वाले कैपिटल गेन वो हस्बैंड के हाथ में चल जाएगा, लेकिन पैसा तो वाइफ के हाथ में है ना। तो मान लीजिए वाइफ ने उसको री इन्वेस्ट कर दिया कहीं पर, मान लीजिए शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए, तो क्या वो इनकम क्लब होगी, जी नहीं, री इन्वेस्ट करने के बाद सच इनकम विल नॉट बी क्लब इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर। ठीक है, तो री इन्वेस्ट में जितनी भी इनकम जो भी अन होगी वो वाइफ के हाथ में ही टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हस्बैंड ने अपनी वाइफ को 12 लाख की ज्वेलरी जो गिफ्ट कर दी, 12 लाख की ज्वेलरी जो गिफ्ट कर दी, वाइफ ने वो ज्वेलरी 20 लाख में सोल्ड कर दी। ठीक
ठीक है, मान लीजिए मैं सिर्फ एक ये एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए ये बेच दिया तो इस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग रहा है, ठीक है, तो सेल कंसिडरेशन कितना हो गया 12 लाख, एंड COA कितना हो गया 12 लाख, सॉरी सेल्स कंसिडरेशन 20 लाख एंड COA 12 लाख, तो ये होगा कैपिटल 8 लाख। ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? ये होगा हस्बैंड के हाथ में, 8 लाख कैपिटल गेन भी होता है। अब मान लीजिए वाइफ के हाथ में कितने आए, 20 लाख रुपए। वाइफ ने क्या करा, 20 लाख की FD करा दी, जिसपे एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 10%, विच इज 2 लाख। अब क्वेश्चन ये आ रहा होता है कि 2 का 2 लाख वो वाइफ के हाथ में जाएगा? जी नहीं, यहाँ पर देखने का परसेंटेज, यहाँ देखो हस्बैंड के हाथ में सिर्फ 8 लाख ही टैक्सेबल क्लब हुआ है, पूरा 20 लाख नहीं हुआ, ठीक है, तो 12 लाख का 10% जो वो हस्बैंड के हाथ में क्लब होगा, बाकी 18% वो क्लब नहीं होगा, दैट मीन वो वाइफ के हाथ में जाएगा, ठीक है, यानी कि प्रोपोर्शनली अमाउंट जो है वो क्लब होगा, सारा नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट आपका क्रॉस ट्रांसफर। क्रॉस ट्रांसफर मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये है मिस्टर राम, ये है उनकी वाइफ है मिसेस सीता, देन उनके भाई हैं राम के श्याम, एंड उनकी वाइफ है गीता, एंड उनकी प्यारी सी डॉटर है, ठीक है। मान लीजिए मिस्टर राम ने अपनी भतीजी को यानी कि डॉटर को मान लीजिए 40 लाख का कोई गिफ्ट किया, 40 लाख का एक गिफ्ट कर दिया, उसके बाद मिस्टर श्याम ने अपनी भाभी को यानी कि मिसेस सीता को 40 लाख का उन्होंने भी गिफ्ट कर दिया, तो फिर क्या होगा, इनकम फ्रॉम दिस अमाउंट विल बी क्लब इन दी हैंड ऑफ राम। क्यों? क्योंकि वो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर एसएससी ने अगर कोई भी इनकम किसी भी पर्सन को अपनी वाइफ को बेनिफिट देने के लिए ट्रांसफर करी है, तो वाइफ को जो भी मिला अमाउंट मिला वो राम के हाथ में ही टेक क्लब हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये माना जाएगा कि पहले राम ने उनकी डॉटर को 40 लाख रुपए गिफ्ट किए ताकि वो अपनी वाइफ को फायदा पहुंचा सके, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने मतलब सारे तरफ से जो है वो सारे रास्ते बंद कर दिए थे, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए राम ने उनकी भतीजी को 40 लाख रुपए दिए, लेकिन मिस्टर श्याम ने 40 लाख नहीं दिए, मान लीजिए दे दिए सपोज 36 लाख, तब क्या होगा, देन लोअर ऑफ द ट्रांसफर अमाउंट विल बी क्लब इन दी हैंड ऑफ राम। तो 40 या 36 में से लोअर कौन सा है, 36 लाख, तो 36 लाख से अमाउंट जो भी इनकम हराइज होगी वो राम के हाथ में क्लब हो जाएगी, ठीक है। सो ये था आपका क्रॉस ट्रांसफर। लास्ट सेक्शन आपका सेक्शन 65, क्या लिखा दिखे इसमें, लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ अनदर पर्सन। आई होप आपको इस स्टेटमेंट समझ नहीं आया होगा, चलिए मैं आपको इसका एक नोटिंग कराता हूँ, वो आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये हैं हस्बैंड एंड ये उनकी वाइफ है, तो इन्होंने क्या करा, अपनी सारे के सारे जितनी प्रॉपर्टी थी ना, जितनी भी थी उन्होंने, मान लीजिए उनके पास 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, कैश था, सब कुछ था, बैंक बैलेंस था, उन्होंने अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दी, ठीक है, दैट मीन्स ट्रांसफर ऑल एसेट्स सारे के सारे, यानी कि आज हस्बैंड से अगर पूछा जाए उनके पास क्या है तो वो बोलेंगे मेरे पास कुछ नहीं है। अब वाइफ के पास कितना अमाउंट है, कितनी कितनी की प्रॉपर्टी है, 2 करोड़ की है, ठीक है, मान लीजिए इससे मान लीजिए वाइफ को 1% के हिसाब से मंथली यानी कि टोटल कितना होगा, 12 लाख, 12% यानी कि 24 लाख रुपए वाइफ की इनकम जनरेट हो रही है। अब अभी ऊपर हमने ऊपर पढ़ा कि सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इससे होने वाली जो इनकम है वो हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगी, लेकिन लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि हस्बैंड ने तो अपने सारे सारे की प्रॉपर्टी दे दी, यानी कि हस्बैंड के हाथ में कुछ भी नहीं है, यानी कि अगर
असेसिंग ऑफिसर हस्बैंड को पकड़ते हैं कि आप पे तो टैक्स पे करा ही नहीं है। तो हस्बैंड बोले कि हाँ ठीक है, आपने तो बोला था कि इनकम क्लब हो जाएगी, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो अपने सारे प्रॉपर्टी वाइफ के हाथ में ट्रांसफर कर दी, तो आप तो वाइफ से जाकर लो। तो असेसिंग ऑफिसर वाइफ के पास जाते हैं, वाइफ दिखाती है कानून कि आपने कानून लिखा है कि ट्रांसफर होगा, आप हस्बैंड के पास जाओ। हस्बैंड बोलता है मेरे पास है ही नहीं, आप वाइफ के पास जाओ। सो उस केस में जो है यहाँ पर जो है टैक्स जो लॉ में जो कमी थी वो पकड़ी गई। तो उस केस में बोल दिया इन सच केस ट्रांसफरी ऑल्सो लाइबल टू पे टैक्स। यहाँ पर सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग लिख दिया इन सच केस ट्रांसफरी ऑल्सो लायबल टू पे टैक्स। ठीक है, सो ये एक एक्सेप्शन केस है जहां पर जो ट्रांसफरी भी टैक्स लेवल फेल हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर क्लबिंग चैप्टर, इजी चैप्टर था, आई होप आपको अच्छे समझ आएगा। थैंक यू, प्लीज कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।